आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा छोटा सा नन्ना सा बालक, शायद इन्हें आप पहचानते होंगे। महारैली में जाते हैं, गुम हो जाते हैं। इनका नाम प्रिंस है, बाकी इनसे भी बातचीत करेंगे। और अभी आरजेडी के दिग्गज नेता मनोहर यादव जी के घर पे रहते हैं, बाकी इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हो प्रिंस? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रहते हो मनोहर यादव के घर पे, कैसा लग रहा? कितना खुशी हो रहा? बहुत खुशी, बहुत खुश। अच्छा ये बताओ, गुम हो गए थे, मिले, अब इनके इनके साथ रह रहे हैं, क्या करना? आगे जाकर नेता बनना है या फिर कोई अफसर बनना है या फिर कोई जॉब करना है? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद अनुमान कुछ बन भी जाए। मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते? कुछ नहीं, बड़काबू कृपा रहे पर लिख लेंगे तो बहुत कुछ बन जाएंगे। बहुत कुछ, बहुत कुछ। मतलब अभी कुछ अनुमान नहीं लगा सकते? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ रह के तुम क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? अभी कोनो क्लास में नहीं, जो दीदी पढ़ाता है। दीदी पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, मनोहर जी का कितना सपोर्ट है, कितना योगदान है तुम्हें पढ़ाने में? बहुत योगदान है। बहुत, बहुत। सच में? सच में। झूठ नहीं ना? झूठ नहीं। बिहार में किनको लाना? लालू यादव को लाना। लालू यादव को? हाँ। अभी तक मन बदलाना है? ना, एकदम मन बदलाना है। सच में? सच में। ऐसा क्या किए तुम्हारे लिए लालू जी? बहुत कुछ किया, पढ़ाने के लिए स्कूल फ्री किया और कॉपी किताब बस फ्री किया, आने जाने के लिए हर चीज फ्री किया। हर चीज फ्री किया, मतलब जितना तुम्हें चाहिए वो सारा चीज योगदान देने का प्रयास? हाँ, प्रयास किया। लालू जी के लिए क्या कहो? हम यही कहना चाहेंगे, जितना भी जनता लोग है, अब कीदा जीता देगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। सच में? काश। हाँ, गम। अच्छा, तुम कहते थे कि लालू जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। वही तो बोले, मत लालू जी मत घबराना, तेरे पीछे सारे जमाना। अभी वो कह रहे? अभी भी कह रहे हैं। हाय भी कहते रहेंगे? कहते बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, नहीं कभी भी नहीं बदलना। नहीं ना? नहीं, कभी नहीं बदलना। आपके घर पर रह रहे नन्हा सा बच्चा, क्या लगता है? देखिए, ये जालिम बाबू टोला मानसी का लड़का है प्रिंस। रैली में किसी तरह चला गया था बस पर चढ़ के अकेले, और भीड़ काफ़ी था उसमें, कहीं कहीं ये मिस कर गया। तो ये किसी तरह पूछते पूछते माननीय नेता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पर ही पहुंच गया। वहां से हमको फ़ोन आया कि एक खगड़िया का बच्चा है जो मिस कर गया। तो वहाँ गए तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरा परिवार, राजमाता राबड़ी देवी जी और सभी पूरा परिवार के लोग, तेजस्वी यादव जी, इनको बहुत ही प्रेम से जो है बगल में बैठा के पूरा खिला रहे थे, कपड़ा दिए। ये टी शर्ट और वही राजश्री मैडम का दिया हुआ है इनको, एक झोला, क्या क्या गिफ्ट दिए, जूता दिए, सब दिए। और इसको पूछे तो ये बोले कि नहीं पढ़ते नहीं, चूँकि गरीब का बच्चा है, पिताजी गरीब थे, नहीं पढ़ा सके, कभी पढ़ने गया और फिर कुछ काम में लगने लगा, पनीर उनीर कुछ बेचने लगा गरीबी का। तो इनको जो है राजश्री मैम बोली कि तुम जो है, हम बोल देते हैं अध्यक्ष जी को, तुम वहाँ रहना और पढ़ाएंगे तुमको। हम इसको जो है व्यवस्था कर दिए, गांव से ही आने जाने का, स्कूल में बस में आएगा जाएगा पढ़ेगा, लेकिन इसको मन नहीं लगता है तो यहाँ चला आता है, चूँकि उम्र हो गया है और चूँकि कम उम्र है। नहीं, उम्र तो मतलब शुरू के जो क्लास है नर्सरी के हिसाब से तो ज़्यादा न हो गया, तो इसलिए इसको अभी एक टीचर से, और मेरी बेटी है शिप्रा मेडिकल में की छात्रा है, वो अभी घर पर है तो वो भी पढ़ाती है, और भी टीचर हैं जिस, पहले तो इसको रूट पकड़ा दिया जाए, फिर क्लास बाय क्लास जम करके तो इसको जो है जो पढ़ाई का जो मेन रास्ता है, कहा जाता है जो बेस पहले मजबूत कर लिया जाए उसके बाद तो हाँ वही बेस इसका जो है पहले ठीक करके फिर इसका जहाँ इच्छा होगा जो पढ़ने का पढ़ेगा।
बिल्कुल, अभी हमारे साथ प्रिंस जुड़े हुए थे जो महारैली में जाते हैं, गुम हो जाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं प्रिंस के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।